आपको शायद बर्लिन मीटअप तो याद होगा, जहाँ पर इन भाई साहब से मैंने आप सब की पहली बार मुलाकात करवाई थी, लेकिन वो मेरी दूसरी मुलाकात थी। तो चलिए आज देखते हैं कि पहली मुलाकात कैसी रही। मिनहाल मनाल मतलब क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। हैनोवर के बाद मैं सीधा सीधा बर्लिन आया हूँ। हैनोवर का ट्रिप खत्म हो गया, व्लॉग्स आप लोग उम्मीद है देख चुके होंगे। सुबह मुझे भी नहीं पता था कि क्या प्लान है, लेकिन अब सब प्लान डिसाइड हो गया है। सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा बर्लिन के हैवी किस्म के डार्क एरिया में। अगर तो आपने यहाँ पे रात को आना है तो ऊपर वाला कॉलर खोल के आइएगा, और अगर आप सुट्टा नहीं भी पीते तो एक आधा सुट्टा एहतियातन हाथ में पकड़ लीजिएगा। बुरे वक्त को भी पता नहीं होता, तो एहतियात एहतियात ज़रूरी है। ये जगह है स्टारबक्स के बाहर जो कि मीटिंग पॉइंट है। मैं जगह पे पहुंच गया हूँ, देखते हैं बाकी का पहुंच रहे हैं। सीन ये है कि पहुंच गए हैं जगह पे। हमारे साथ एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, इंट्रोडक्शन आप उन्हीं से सुन लें। वैसे तो तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं मिनहाल रिजवी, मैं भी यूट्यूबर हूँ। मैं वो बंदा हूँ जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता ना, वो घर में होता है एक बंदा जिसको माँ बाप डांटते रहते हैं तू कुछ नहीं करेगा। मैं वो ही बंदा हूँ जो कुछ नहीं करता, सही है, मगर अब मैं कुछ करना शुरू हो गया। और माशाल्लाह बहुत कुछ कर रहे हैं, तो लाजमी इनके चैनल पे जाइए, देखिए क्या गुल खिला रहे हैं। इनसे आप मिल चुके हैं पहले भी, दोबारा इंटरव्यू करवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लॉगर है हमारी, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी एक्टिव ब्लॉगर है। एक दफ़ा ब्लॉग में आ चुकी है, एक ही दफ़ा आई थी शॉपिंग में ले गई थी, याद नहीं है। हाँ, कुछ नहीं खरीद के दिया था उन्होंने। मिनहाल भाई ने कहा कल इनके साथ व्लॉग बनाना है। लोकेशन पर थोड़ा लेट पहुँचा हूँ, बट पहुँच गया हूँ। मिनहाल भाई का वेट कर रहा हूँ। मिनहाल भाई ने ज्वाइन कर लिया हमारे साथ। मगर आप लोग को इतना पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि इस पे लगी और मेरे कैमरे पे नहीं लगी। और इनका कद लंबा है तो लाइक मुझे यूं करना पड़ रहा है, मुझे बार बार कैमरा यहाँ लेके जाना पड़ रहा है ताकि इनकी शक्ल आ गई। बाद में कहेंगे हमें शशके कहाँ गए, इन्होंने बालों को यूं करके करते हैं यार, क्या करेंगे ये, यहीं पे तो सारी गेम डाउन डाउन। एक इन्होंने क्या लिया था आपने? अरे क्या लिया था? वो लिया था कि भाई बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बाल आ जाते हैं। हाँ, हेयर बैंड यार, फुल वीडियोस देखता है ना यार, ये बहुत कूल बनता है। मैं कल इसका फैन हो गया बंदे का, जितने मोहब्बत से ये मिला ना मुझसे, इतने मोहब्बत से शायद कभी कोई नहीं मिला मुझसे। फुल बंदा ही अच्छा है बंदा। अपने दोस्त को भी बैठ के बता रहा था कि बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला, अच्छा ऐसे लोग कम होते हैं। मैंने पैसे नहीं दिए, नहीं अभी जिस स्ट्रीट में गया था वो कहलाती है तुर्किश स्ट्रीट, वो अंदाजा लगा लें कितने तुर्कियां होंगे। चिप्स दुकान पे ये खा रहे हैं, फिश एंड चिप्स आपको 9 यूरो में मिल जाएगा। क्या कहना है आपका खाने के बारे में? A1 है। A1 है, सजेस्ट करेंगे?
अगर आप बर्डी ना आए और अगर आपने फिश एंड चिप्स नहीं खाए ना तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हें वापस चले आना है इसी। और यहाँ पे अपने बटवे का ध्यान रखना, मेरा खो गया था अभी, बच्ची ने ला कर दिया, एक छोटी सी बच्ची थी उसने ला के दिया आपका बटवा, मैंने कहा फिर लाल भाई ने भी शुक्र किया, मैंने भी शुक्र किया, फिर वो हमारी शक्ल देख रही थी यार इतने बड़े हो गए संभाल लिए। फिर आप देखना चाह रहे हैं कि मिनाल भाई अपने सिनेमेटिक शॉट्स किस तरह शूट करते हैं, अभी पोल खोलता हूँ इनके। मिनाल भाई जरा करें, कैसे कर रहे थे करें तो सही नज़र नहीं आ रहा था। इसका सिनेमेटिक शॉट्स कैसे लेंगे आप? ये सामने जो फवारा है यहाँ से आए स्लोली वहाँ गए, कमाल यार। ये वाली चीज़ आप मेरे व्लॉग्स में शायद पहले रात में देख चुके हैं, इसके दिन वाले शशके शायद मिसिंग थे पिछली दफ़ा, दिन में आए हैं यहाँ स्पेशल मैं मिनाल भाई को दिखाने के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि यार जगह बड़ी मस्त है। आप यहाँ पे बैठो यूँ करके, सामने ये वाला व्यू इंजॉय करो यार, दिल कसम से गार्डन गार्डन हो जाता है। साथ लाइब्रेरी है जहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि किताबें होती हैं, और भाई बहुत पढ़ लिया ज़िंदगी में, बहुत पढ़ लिया अब और नहीं। लास्ट टाइम जब मैं बर्लिन आया था तो एक कमेंट नीचे आया था कि यार बर्लिन की आर्ट यूनिवर्सिटी दिखाओ, अब भाई आप लोग कमेंट करें और वो मैं वो ना करूं, नहीं सीन ही कोई नहीं। मैं खड़ा हूं अभी हेम्पोल्ट यूनिवर्सिटी के सामने, बर्लिन की बड़ी फेमस आर्ट यूनिवर्सिटी है ये। मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ ना वो एक स्ट्रीट में है जिसका नाम है हेलमोल्ट स्ट्रासे, तो पहले मैं देख रहा था यार इतना मुश्किल नाम कहाँ से लाए। मिनाल भाई कैसी फीलिंग आ रही है? Once upon a time in Art University of Berlin. आप अभी यूं कर देना आप पूरे बैड ऐसे लगेंगे। वो हैं जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं और ये आई गेस सारे जर्मन हैं। तो इतने ज्यादा जर्मन ने नोबेल प्राइज जीता है, ये श्रोडिंगर्स कैट जब तक डब्बा नहीं खोलो तब तक कैट जिंदा भी है मरी यार। इन्होंने ना श्रोडिंगर भाई ने मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई थी, जब मैं थ्योरेटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा था ना ये श्रोडिंगर भाई ने बहुत बहुत रुलाया है। ये वाला सारा एडमिनिस्ट्रेशन एरिया लग रहा है, यहाँ पे सच कोई क्लासेस वगैरह नहीं लगी हुई, लेकिन इनका एक और कैंपस है वो रोड के उस पार है, अभी हम उस कैंपस में जा रहे हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि क्लासेस ये भाई साहब कुट पढ़ाएंगे दरवाजे खोले जा रहे हैं। व्लॉगिंग के अलावा मैं पार्ट टाइम मैजिशियन भी हूँ। फुल जा सिम सिम, वाह वाह स्वैग ये लग गया। इनका वो कैंपस है जहाँ पे क्लासेस लगती हैं, फर्स्ट फ्लोर पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली आप गेट से अंदर आओगे क्लासेस के लिए, फिर यहाँ ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर सीन ऑन होता है। भाइयों का तो आपको पता है भाई फ़ैन है, कहीं भी वो मिस नहीं करता। और पोर्शे ने भी हाइब्रिड गाड़ियाँ निकालना शुरू कर दी भाई, मैं बता रहा हूँ बैटरीज पे आ जाओ खुश रहोगे। मिनाल भाई का एक डायलॉग है, लाइफ में चाहिए इज्जत, लाइफ में चाहिए इज्जत, वो इज्जत के लिए ऐसे इस गाड़ी से। सारा दिन की मशक्कत के बाद हम यहाँ आए हैं मिनाल की तरफ। क्या मैं प्यारा लग रहा हूँ सेट तो पहले पर है ना तो जरा सेटअप चेक कर रहा हूँ हेवी हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए डिस्कशन करनी है तो अल्लाह हाफिज़।
लेकिन सारे ने कहना यार मिनाल भाई अल्लाह हमारे नहीं आ रही है इधर आए चिट्टे हैं यार ये लाइट चेक करें मिलते हैं ना ऐसे कैसे बड़ा फिट करते हैं अच्छा क्या करते हैं क्या करते हैं करें अपने शिष्य को नहीं ऐसे नहीं यार तो आज के लिए इतना ही फिर कल मिलते हैं पीस आउट